I've seen the film. Carbon is, I think, a wonderful attempt to not just tell a story, but tell a story that will make people think about certain things that we take for granted. कुदरत के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं और especially प्रकृति जो हमको free में देती है उसके बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचते. I think what carbon does is that it gives you the context of a futuristic story जहाँ पे जो हमको free में मिलता है oxygen उसकी कमी में इंसान की ज़िंदगी क्या हो जाती है वो दिखाता है. I think it's a very noble thought. I'm very excited and very happy and proud of Jackky, Deepshika and Gautam Gupta who produced the film together and made this film. And I really hope कि हमारे देश में ऐसी और फिल्में बने short, long, हर format में क्योंकि वातावरण के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, उनकी awareness heightened हो सकती है ऐसे subject से और मेरी उम्मीद यही रहेगी कि और भी लोग ऐसी कहानियाँ बनाएं और लोगों तक पहुँचाएं। ये trend तो चालू हो गया है ना social cost को लेके फिल्में बनाना चाहे Saturday film का था हो या अब इस फिलहाल जो फिल्में बन रही हैं कहीं ना कहीं social मुद्दा जुड़ा रहता है। इस नए trend के बारे में क्या कहना चाहेंगे? I think social मुद्दों पे फिल्में बनाना बहुत अहम हिस्सा है। मैं हमेशा ये मानती हूँ, हमेशा से मानती हुई आ रही हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा मानना ही नहीं, हम सब जानते हैं कि कितना बड़ा इन्फ्लुएंस फिल्में कर सकती हैं लोगों के सोच पर, उनके ज़िंदगी पर. एंड आई थिंक अगर हम ये बात को मन में रख के फिल्में बनाएं और लोगों के ज़िंदगियों में बदलाव ले आ पाएँ और वी कैन इनक्रेज whether it's a social movement or social upliftment or awareness, then it's a good trend to happen in any part of the world. It's a very important trend, and I hope कि ऐसी ही हम फिल्में बनाते रहें जहाँ पे फिल्म के द्वारा, एक एंटरटेनमेंट के द्वारा लोगों तक सोशल अवेयरनेस पहुँचे. Absolutely. I think as a conservationist, as a person who is so connected with environmental causes, हमारा बोलना हमेशा यही है. जब भी प्रकृति के बारे में बात शुरू हो जाती है या environment के बारे में बात शुरू होती है तो लोग समझते हैं कि we are anti-progress. We are not. हम सिर्फ कोशिश यही करते हैं लोगों तक बात पहुंचाने की कि ecology and economy can go hand in hand. Wherever there is development, there must be. Nobody is anti-development. Progress तभी हकीकत में होगी जब ecology और economy को साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे. So we must protect our ecology in order to actually be a healthy economy. मैं मुंबई के शहर में environment को भी ज़्यादा जैसे दिल्ली में ऑलिव जैसा formula किया जाता है, क्या मुंबई जैसे शहर में भी होना चाहिए ऑलिव आपको हमारे पूरे देश में एयर पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है. हमारे देश के 25 शहरों से ऊपर शहर है जिसकी जो पोल्यूशन लेवल्स है वो बहुत हानिकारक है. हम मीडिया में इस बारे में बात नहीं करते, हम इस बारे में चर्चा नहीं करते, ये हमारी कमी है. We must become more aware, not just as the media, but as citizens of our air pollution levels. और उम्मीद यही है कि ये जो urban development planning हो रही है, या जो हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, या जितनी भी जितने विषय हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हमारे health से जुड़े हुए हैं, they come more into the mainstream focus and we start paying more attention to these things. क्योंकि air pollution doesn't affect just the air. It affects our lives, our health, and most importantly, it affects the health of children, unborn children, newborn children, and elderly. तो अगर हम मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, उस पैसे का क्या मतलब, उस मेहनत का क्या मतलब? अगर हम हमारे जो हमारा basic right है, which is right of living, right to survive, उसपे ही हमारे actions के वजह से
कमी हो रही है या बुरा असर पड़ रहा है? Okay, the last one, how happy you are with Prachi? I love Prasoon Joshi. He's one of my most favorite people in the industry. I really admire and respect him. मैंने उनके साथ बहुत काम किया है और मैं उनकी सोच से और उनके उनके मैं जानती हूँ कि वो कुछ अच्छा ही करेंगे as the new certification board chief. आई थिंक ये बार बार हमें दोहराना चाहिए कि हमारा CBFC सेंसर बोर्ड नहीं है, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड. थैंक यू.